শ্রীপাদ হরিজন মহারাজ আপনি যেখানে থাকবেন স্টেজে আসুন। শ্রীপাদ হরিজন মহারাজ আপনি যেখানে থাকবেন স্টেজে এসে দেখা করুন। শ্রীপাদ হরিজন মহারাজ আপনি যেখানে থাকুন স্টেজে এসে দেখা করুন। যারা হরিনাম দীক্ষা নিতে চান আপনারা নিচে রেজিস্টার অফিসে নাম লেখান, ওখানে সুবল শাখা প্রভু নাম লিখাচ্ছেন। যে লোক হরিনাম দীক্ষা লেনা চাহতে হ্যাঁ ও লোক নিচে রেজিস্টার অফিস মে সুবল শাখা প্রভু নাম লিখা রহে হ্যাঁ ওহাঁ যাকে কৃপায় নাম লিখা। Yeah.
छा कल्पतरु भ्रष्ट कृपा सिंधुभ्यैर्देव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो महापतञ्जलाय कृष्णप्रेमाय गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय कृष्णाय तदवक्ताय तमैवास्मि नजिमां प्रयादिन तिभिज्ञै राधे तन्नय मां च सबसे पहले मैं अपने परमारत्नतम पूर्ण पाद पद्म नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अस्तोत्तर श्री श्रीमद् भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी के शिक्षण कौलों में कोटि कोटि बार गणगण प्रणति पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। तत्पश्चात अपने शिक्षा गुरु प्रपुण्य चरण श्री नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत बामन महाराज नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णु पाद अशोत्तर शिष्मति वेदांत महाराज के चरणों में मैं अनंत कोटि दंडवत प्रणति पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। तत्पश्चात सन्यासी बन वैष्णव वैष्णवी सज्जन भगवान की कृपा से हम लोगों का चतुर्थ दिवस निर्विघ्न रूप में अच्छी तरह से व्यतीत हो गया। कड़ी धूप है फिर भी आप लोग कष्ट करके जा रहे हैं, महाप्रभु आप लोगों का कष्ट दे करके जरूर कृपा करें। अब कल खूब सवेरे ही जाना है और लौट आना है दोपहर के पहले और फिर 5 बजे इच्छित हरिकथा आरंभ होगी। आज हम लोग यहाँ से चंपक हट कर जयदेव गोस्वामी का पाठ गौर गदाधर जी का शिव मंदिर समुद्रगढ़ और उसके बाद में हम लोग विद्यानगर समस्त विद्याओं का केंद्र और वहाँ से कुबाला अर्थात राधा रानी का स्थान हम लोग राधा कुंड होकर करके परिक्रमा करके निकट लौटे हैं। वहां पर अवश्य ही हरि कथा हुई होगी। अब यहां मैं विष्णु दैवत भक्ति वेदांत विष्णु दैवत महाराज जी को कहता हूँ कि वे श्री चैतन्य महाप्रभु के तत्व सिद्धांत उनके चरित्र उनकी शिक्षाओं के संबंध में 15 मिनट कुछ बोलिए। ओम अज्ञान किमिरांधस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः विष्णुपादाय राधिकायै प्रियात्मने श्रीमद्भक्तिवेदान्त नारायणी नामिने। सर्वप्रथम अस्मदीय गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर श्रीमद्भक्तिवेदान्त नारायण गोस्वामी महाराज के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम अर्पण करता हूँ। तत्पश्चात उपस्थित दुर्लभ सन्यासी वैष्णव वैष्णवी माताओं के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम अर्पण करता हूँ। तो श्री चैतन्य महाप्रभु 500 वर्ष पूर्व इस भारत भूमि में प्रकट हुए। चैतन्य महाप्रभु ने पूरे भारत भर में हरि नाम का प्रचार किया और चैतन्य महाप्रभु का जो प्रथम
आविर्भाव का कारण है कि श्री राधा जी के भाव का आस्वादन करना। राधा या प्रणय महिमा कितृशोभा साध्यनात्मक मधुरिमा कितृशोभा मध्या सौख्यम चास्या मद अनुभवता कितृशम व्यक्ति लोभा तद भावाड्या समझनी सचि गर्भ सिंधु हो। श्री राधा जी के प्रेम की मधुरिमा समझने के लिए श्री कृष्ण का रूप देखकर राधा जी के मन में जो आनंद होता है और एक भ्रम भी होता है, और श्री कृष्ण का राधा जी का जो प्रेम है इसका वर्णन सभी बड़े बड़े भक्तों ने किया है। जैसे गुरु जी ने कहा है कि राधा जी का जो विरह है, जो उद्धव क्यारी में राधा जी ने विरह को अनुभव किया है, वो विरह प्राय किसी में नहीं देखा गया चैतन्य महाप्रभु छोड़कर। और भीमभट्ट कहते हैं कि दुष्टे चंद्रमसी परुद्ध तमसी व्योमांगणस तेजसी स्फूर्जन निर्मल तेजसी त्वयि गते नीरम दूरम निज प्रेयसी श्वासा कैरव कोर केति मुखम तस्य सरोजयति क्षीरो दीयति मन्मथोऽपि प्राश्चन्द्रकान्तयति। राधा जी का मन में श्री कृष्ण के बारे में जब विचार आता है, श्री कृष्ण के बारे में सोचती है, तो राधा जी की आंखों से आंसू बहने लगते हैं और अविरल आंसू बहने लगते हैं। तो श्री कृष्ण जब वृंदावन से द्वारका चले गए तो राधा जी ने श्री कृष्ण के पीले वस्त्र को पहन लिया और जो जोर जोर से रोने लगी, उस रोने को सुनकर जो जमुना के जलचारी मछलियां थी वो भी रोने लगी। राधा रानी का मादनाख्य महाभाव का मोदनाख्य महाभाव का ब्रह्मांड क्षोभकारित्व यहाँ दिखाई पड़ा। इसलिए कवि जी कहते हैं कि याते द्वारपतिपुरम गुरुपोत वस्त्र संज्ञानया कादंबी तट कुंज भंज लतिका मालम भया स्वत्कंठया उद्गीतम गुरु बाष्प गत गलत तारस्वरम राधया येनांतर जल चार जल चल अपजुतम। यदि हमें श्री चैतन्य महाप्रभु को समझना है, चैतन्य महाप्रभु के विचारधारा को समझना है, तो हमें रूप गोस्वामी की शरण जाना पड़ेगा। वैसे तो चैतन्य महाप्रभु ने जो भी सीखा है, दिखाई पड़ता है कि चैतन्य महाप्रभु जब ईश्वरपुरी पाठ से जब उन्होंने दीक्षा प्राप्त किया, दशाक्षरी गोपाल मंत्र प्राप्त किया, उसके बाद में ही उनमें परिवर्तन आ गया। इससे जगत जीवों को महाप्रभु दिखाना चाहते हैं कि जब तक कोई व्यक्ति शुद्ध वैष्णव से दीक्षा नहीं प्राप्त करता, तब तक गुरु के हृदय के भाव शिष्य के हृदय में आ ही नहीं सकते। क्योंकि ईश्वरपुरी पाठ ने कहा था कि योग शुद्ध प्रपत्ति निर्जन मन ध्यान को संभावित स्वराज्यम प्रतिपद्य निर्भय ममी मुक्ता भवंतो द्विज अस्माकं तु कदंब कुंज कोहर क्रोंगल दिंदीवर श्रेणी श्यामल धाम नाम जशताम जन्मस्त लक्षावधि। मैं कोटि कोटि जन्म श्याम सुंदर के नाम की आराधना करता रहूंगा यदि मुझे यश मिले अपयश, मगर मैं स्वर्ग नहीं चाहता, मोक्ष नहीं चाहता, स्वराज्य वैराज्य ब्रह्मा जी का पद मुक्ति तक नहीं चाहता हूँ, वैकुंठ भी नहीं चाहता हूँ। मैं तो सिर्फ कदम के कुंज में जो इंदिवर श्याम है उस श्री कृष्ण का ध्यान करना चाहता हूँ, भले उनकी प्राप्ति मुझे कोटि कोटि जन्म के प्राप्त क्यों न हो। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने मध्वाचार्य के ही 9 प्रमेयों को धारण किया। श्री मध्व प्रहा विष्णु परतम आमनाय वेद्यम च विश्वम सत्यम भेदम च जीवान हरिचरण विषाम तारतम्यम च तेषाम मोक्षम विष्णु लाभम तदमल भजनम तस्य हेतु प्रमाणम प्रत्यक्षादि त्रयंचादि परिषदि हरि कृष्ण चैतन्य चंद्र। विष्णु के चरण की प्राप्ति को ही मोक्ष कहा है मध्वाचार्य जी ने, और उसकी प्राप्ति का उपाय है विष्णु के चरण का भजन करना, और इसका प्रमाण है वेद शब्द प्रमाण। सबसे श्रेष्ठ प्रमाण है शब्द प्रमाण, प्रत्यक्ष और अनुमान से भी श्रेष्ठ है। तो चैतन्य महाप्रभु जो उद्धव क्यारी में थे योगिनी राधा, और जगन्नाथपुरी में जो चैतन्य महाप्रभु है वो योगिनी राधा के रूप में, और जब कुरुक्षेत्र में राधा जी और कृष्ण का मिलन हुआ और वही चैतन्य महाप्रभु राय रामानंद जी से मिले, उस वक्त जो रसराज महाभाव देखा, रसराज महाभाव स्वरूप वो है कुरुक्षेत्र के समान। और नवद्वीप में जो चैतन्य महाप्रभु है, वो चैतन्य महाप्रभु श्री सतत अष्टकाल्य लीला प्रकाशित करते हैं, वो है वृषभानंदिनी राधा जो वृंदावन में श्री कृष्ण के साथ में लीला करती है। इसलिए श्री राधा कृष्ण की जो लीला है वो सर्वश्रेष्ठ लीला है, उस प्रेम की कोई कल्पना नहीं की जा सकती। जैसे एक बार श्री कृष्ण ने ही राधा जी को खत में लिखा था द्वारका से
कि कहते हैं राधा रानी हमारा प्रेम जो है उसका कोई आविर्भाव का दिन नहीं है, ये अपराध करने से न तो घटता है और न तो मैं आपको प्रणाम करने से, आप मुझे प्रणाम करने से न तो ये बढ़ता है। ये प्रेम बड़ा गुरु है और इसके लिए इसको मैं शब्दबद्ध कर दूं इसकी लघुता ही सिद्ध हो जाएगी। इसे कहते हैं श्री कृष्ण की आविर्भाव दिने ने न घड़ी तो हेतु स्तनयानपि श्येता मिल चापरा विंदिना नत्यानय वर्धते पीयूष प्रतिवेदिनस्त जगति दुख दुहा सांप्रतम प्रेमनस्त गुरु कथम न करवई वाग्निष्ठता लाघव। श्री कृष्ण ने राधा जी को कहा था कि द्वारका से संदेश में कि राधा रानी जी हम ये जानते हैं कि अभी हम आपसे मिल नहीं पाते हैं और हमारी बातचीत होने की भी कोई संभावना नहीं क्योंकि मैं द्वारका में हूँ और आप वृंदावन में हैं, मगर यदि आप कोई लिस्ट बनाए, यदि आप कोई सूची बनाए कि कौन कौन मुझे किसे किसे मैं पसंद करती हूँ तो उस लिस्ट में मेरा भी नाम ऐड कर देना। यदि आप मुझे सब कुछ पसंद करते हो तो मेरे नाम के लिए एक रेखा उस लिस्ट में ऐड कर देना। श्री कृष्ण ने लिखा था कि आस्तम तावत वचन रचना भाजनत्व विदुरे दूरे चास्तम तव परिणम संभावना भूजो भूजा प्रणति भरिदम किंतु याचे विरेया स्मारम स्मारम सजन गणने काव्य रेखा ममा। तो ये प्रेम जो है इस प्रेम को, इस प्रेम की परिपाटी को जगत को प्रदान करने के लिए श्री चैतन्य महाप्रभु आए। कि राधा कृष्ण का प्रेम क्या है और उसमें भी सर्वश्रेष्ठ प्रेम है और उस सर्वश्रेष्ठ प्रेम की का सौंदर्य जो मंजरी भाव है, जैसे राधा रानी की सेवा करना और राधा रानी और श्री कृष्ण का मिलन सुष्ठु रूप से हो उसमें कोई विघ्न बाधा ना आए इसमें सब मंजरियां जागृत रहती है। एक दिन राधा जी को पद्मा के शुक ने गलत संदेश दे दिया कि इस दिशा में कुंचे के दिशा में कुछ जटिला आ रही है, तब राधा जी की सांस आ रही है सुनकर राधा जी डर गई। राधा जी श्री कृष्ण के सर के ऊपर मोर पिछ का चूड़ा का निर्माण कर रही थी। उस वक्त रूप मंजरी ने अपना कुशलता दिखाते हुए तुरंत चावट चली गई और देखा कि जटिला तो दही मंथन करके थक कर जमीन के ऊपर लेटी थी। तब राधा जी को यह संदेश दिया रूप मंजरी ने आके कि जटिला तो थक कर लेटी है, यहाँ आने का कोई संभावना नहीं है, यह पद्मा के शुभ की झूठी बात है। वीरवती धड़ी पूर्णाम गरगरिम लोड़ इक्वा कृतदन भंगम कुर्वती भूरि जलम्भाम भोन मनुपति का पत्य रस्ते सवित्री विरचय तदशंकम हरे मुरनि चूड़ा। तो ये भाव दुनिया को प्रदान करने के लिए चैतन्य महाप्रभु इस दुनिया में आए। पांचाकल्प तरु दश्य कृपा संयोग Secondly, I offer my Sastanga Dhanavad Pranam
thousands of times at the lotus feet of my Sri Rupanuga Gaudiya Guru Vardashi Guru Prabhupada. And therefore my pranam to all the assembled Chidani Padigan and all the assembled Vaishnavas and Vaishnavis. So for 4 days, under the guidance of Srila Gurudev and Vaishnavas, we have been hearing about the various reasons for the appearance of Sri Chaitanya Mahaprabhu. So, when Sri Chaitanya Mahaprabhu was in Jagannath Puri, at that time, Srila Rupa Goswami, he traveled there to meet him. And on the way, Srila Rupa Goswami had been writing a drama. And this drama he divided into two parts, Vidagdha Madhav and Lalita Madhav. So in the beginning of Vidagdha Madhav, he has given his pranam and he has prayed to Chaitanya Mahaprabhu and bestowed benediction upon the readers of his book. So there Srila Rupa Goswami part, he wrote, Anarpita Charim Chirat Karunaya Vartinah Kalo Samarpayatum Unnata Ujjwalarasam Swabhakti Sriyam Hai Purata Sundara Juti Kadamba Sandi Pita Sadariya Kandare Spratuva Sachinandanah. Oh, may that Sri Chaitanya Mahaprabhu appear in the core of the heart. The heart is like a cave, a very secret place. And maybe also for the Bhagajiv, the conditioned soul, a dark place, wherein there live so many elephants of aparad, of offenses. But Sri Chaitanya Mahaprabhu, he is like a lion. He is born in Sinharasi, Leo, the sign of the lion. And he's golden like a lion. And his chest is broad and his waist is narrow like a lion. And he's also like a lion, because when he appears in the cave of one's heart, he roars, Hari Bol! And all the elephants of anartha, unwanted desires, and aparad, they run for their life. So Srila Rupa Goswami said, may that Chaitanya Mahaprabhu, who is Hari, see Krishna himself, adorned with the golden reflection of Srimati Radhika, appear in the innermost region of your heart. Who is he? He has appeared by his causeless mercy in this age of Kali to distribute what no incarnation had ever distributed at any time before in this day of Lord Brahma. That means 8 billion years. Since the last time Chaitanya Mahaprabhu came, no one had distributed a very special gift. What is that? Samarpayatum unnata ujjwala rasam swabhakti sriyam. Unnata ujjwala rasa. What does it mean? It means that Sri Chaitanya Mahaprabhu, he himself is personally relishing unnata ujjwala rasa, the mood of Srimati Radhika. This mood is called Parakriya Bhav. When a hero and heroine, they are married before a Brahmin, before the Vedic fire, before their parents and other witnesses and seniors in society, then the relationship they have is called the Swakya relationship. But when a heroine who is already married to someone else, being impelled by intense attachment, leaves her legal husband and goes to meet with another hero, this is called Parakriya Bhav. So in this world, that is contemptible. But in transcendental Goloka Vrindavan, their Yoga Maya has created the impression that Radhika and all Braj Gopis, they are married to others. And leaving them, breaking all the rules and regulations of Dharma, they run to meet with Sri Krishna and serve Sri Krishna. This is called Parakriya Bhav. So our Purva Acharyas, they've given a very wonderful explanation of the meaning of Parakriya Bhav. First of all,
we should know that there are two tattvas. The first one is called Swa Tattva and the second one is called Para Tattva. Swa means one's self and Para means another. So see Krishna, when he is the Swa Tattva, at that time he is Atmaram. He is self-satisfied. He does not need anything. All Ananda is within him. So he's called Atmaram. He has Atmaramata, the quality of self-satisfaction. So Srila Gurudev explained that just as in this material universe there are thousands and thousands, innumerable planets with different atmospheres and different qualities. So in the same way, in the spiritual world, there are thousands and thousands of planets. And even in Golok Vrindavan, there are thousands of, in Golok, there are thousands of prakoshtas, chambers, wherein Krishna Leela is going on. So, all the spiritual teachers of this world, they tell us, one should serve the Supreme Lord, and that Supreme Lord, he has Atmaramata. He is self-satisfied. He does not need anything. He has all happiness in himself. But because Sri Krishna is Purna, he is complete, all possibilities exist within his Leela. So just as there is a dimension in which Krishna is self-satisfied, there must also exist the antithesis of that dimension. In other words, where Krishna is not Atmaramata, but he is completely Pararamata. Pararamata is the opposite of Atmaramata. It means where the Supreme Lord, rather than being self-satisfied, he's Pararamata, he cannot find any happiness by himself. He is totally dependent on others, Para, for his happiness. So that is called Pararamata. So all the spiritual teachers of the world, they say, go this way. Put your attention, give your service to God. He is Atmaram. He is self-satisfied. He has Atmaramata. But what did Sri Chaitanya Mahaprabhu do? He said, shh, don't go that way. Go that way. Go to the extreme antithesis of Atmaramata, to that Krishna who is Pararamata. He cannot find any satisfaction, any happiness. He cannot sleep at night. He has no hunger. He cannot eat without his devotee. So Brajendranandan Shama Sundar of Vrindavan, he is the extreme limit of Pararamata. And his Shakti, Shrimati Radhika, also, she is Pararamata. So Krishna, he cannot live for a moment without Radhika. And that Radhika who cannot live for a moment without Sri Krishna, when these two Pararamata tattvas meet together, they cannot live without each other. When they meet together, there is an explosion of rasa, and that is called Parakya rasa. The meeting of the Pararamata tattvas, the rasa that comes is called Parakya rasa. So that is Unnat Ujjwala rasa, Radhika's bhav, and Chaitanya Mahaprabhu is tasting it. So we see Chaitanya Mahaprabhu has one hand in the air, he's dancing and relishing the mood of Radhika, but one hand is down here. Why? Because he's distributing, not Radhika's mood, but Swabhakti Sriyam, the beauty of Radhika's mood. Mahabhava Swarosi Radha Takurani Saravagura Kani Krishna Kanta Shiramani. Radhika is the embodiment of all the qualities and all moods of all the inheritance. She's like a creeper, but a creeper is more beautiful when it has leaves, flowers and manjaris. So Radhika is not alone, she's surrounded by her sakis and especially manjaris. The manjaris are not directly her friends, but they are younger, they are her maidservants. So those maidservants, because they have aikantik bhav, one-pointed devotion to Srimati Radhika, what she experiences, this comes in their hearts. So especially Sri Chaitanya Mahaprabhu, he wanted to distribute this mood, the mood of the maidservants of Srimati Radhika. Why? Because in Braja Leela, Krishna said to Radhika,
ना पारयाम मेरा राज्य संयजाम स्वासानु कृत्याम विगुदाय शापिवा ओ राधिका आई कैनॉट रिपे यू फॉर योर लविंग सर्विसेस या मा वचन दुर्जय देह श्रृंखला समृषितद्वा प्रतियातु साधुना But when I appear in the form of a sadhu, at that time I will try to repay you. Because I am one and you gopis are many, how can I repay you? So when I appear in the form of a sadhu, I will collect so many jivas and I will tell them all of you help me repay my debt to Radhika and all of you become her dasis. So with this intention, Chaitanya Mahaprabhu appeared in this world and distributed the service of Radhika to repay his debt. So, in this way, I offer my Shraddha Pushpanjali at the lotus feet of Sri Chaitanya Mahaprabhu and pray to Gurudev that he sprinkle mercy upon me, that one day this Jnana, this theory, will become Vijnana, actual realization. Very good. अब आप लोगों के सामने वृंदावन जी से आए हुए श्याम दास जी श्री चैतन्य महाप्रभु के तत्व उनके चरित्र का वैशिष्ट्य और उनकी शिक्षाओं के संबंध में 15 मिनट गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय तदाले कृष्णाय कृष्णभक्ताय तदभक्ताय नमो नमः चैतन्य चंद्र मम हृदय कुमुदं विकासय हृदयं हृदे निज चिंतन भृंगरंग किंचापराध तिमिरं निविड विधूय पदामृतं सदय पाय दुर्गतम् संसार दुख जलदौ पतितस्य काम क्रोधादि नक्रमकरै कबले कृतस्य दुर्वासना निगृतस्य निराश्रयस्य चैतन्य चंद्र मम देहि पदं पदावतम् वेदास्तथा स्मृतिगुरो जमचिंत सत्यम् सृष्टि स्थिति परलय कारणं मामनन्ति जम श्याम सुंदरम अविक्रियमात्ममूर्ति सर्वेश्वरं प्रणति मात्र वसं भजाम जद छक्तयो वदताम वादिनां विवाद संवाद भुवो भवन्ति कुर्वन्ति चैसां मुहुरात्ममोहं तस्मै नमो सर्व विघ्न विनाशनाय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे मैं सर्वप्रथम मध्य गुरुपाद पद्मा निखिला विष्णु विष्णुपाद अष्टोत्तर सत्य भक्ति जीवन जनार्दन गोसाई महाराज जी के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी हैतिक कृपा की प्राप्ति तदुपरांत मध्य शिक्षा गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर सत्य भक्ति वेदांत नारायण गोसाई महाराज जी के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी हैतिक कृपा की प्राप्ति उपस्थित समस्त गणी पादगण वैष्णवगण माध्वीगण सभी के चरणों में जथा जोग प्रणाम करते हुए आप सबों की है कि कृपा की प्राप्ति श्रील महाराज जी का आदेश हुआ है श्रीमद महाप्रभु जी का वैशिष्ट्य उनका विचार उनका तत्व महाप्रभु जी का वैशिष्ट्य इस विषय में हमारे रूपानु गुरुवर्गों ने बहुत विवेचना की हमारा कृपालुक वर्गों के पास जो विचार है जो रस है जो तत्व है जो सिद्धांत है वो महाप्रभु का ही दान है श्रीमन महाप्रभु का ही जो हृदयगत भाव है
उन भावों को ही हमारे विभिन्न वर्गों ने स्थापित किया। बहुत महापुरुष जी के वैशिष्ट्य के अनंत पक्ष हैं, किन किन पक्षों की ओर विचार किया जाए, सब समुद्र के समान। श्रीमन महाप्रभु जी का एक वैशिष्ट रहा, पूर्व में बहुत से दार्शनिक हुए, उन दार्शनिकों ने जो पक्ष रखा मन श्रीमन महाप्रभु यदि नहीं आते तो शायद हम उन विवादों में फंस जाते, और वास्तविक श्रेय से वास्तविक जो हमारे रूपानंद जो धारा है, जो हम कहो के वैशिष्ट है, सौंदर्य है, माधुर्य है, नहीं समझ पाते। गौतमस्य कनादस्य कपिलस्य पतंजलि जैमिनिश्चैव व्यासस्य दर्शनानि सदैव च। इन छह दर्शनकारों में भी हमारे मन महापुरुष ने पांच दर्शनकारों को अलग कर दिया, इसलिए अलग के जबकि इनको आस्तिक सिद्धांत कहा गया। कपिल गौतम का जो न्याय है और कनाद का वैशेषिक कपिल का सांख्य और पतंजलि के जो पातंजल योग शास्त्र जैमिनी का पूर्व मीमांसा, इन पांच दर्शनकारों ने वेद को कहीं कहीं पर मौखिक रूप में माना, मुंह से बोला हम वेद को मानते हैं, क्योंकि जो वेद को नहीं मानता उसको तो संपूर्ण रूप से नास्तिक कहा गया, जैसा कि बौद्ध चरवाक और जैन, इनको संपूर्ण रूप में नास्तिक कहा गया क्योंकि वेद का अस्तित्व स्वीकार करते ही नहीं। किंतु इन पांच दर्शनकारों की विशेषता है कि वेद को कहीं कहीं पर मानते तो मैं मुंह से बोलते मानता हूं, लेकिन मन महाप्रभु जी बोले कि आप वेद को मानते उसका क्या प्रमाण है, क्योंकि वेद को तो मानना तब प्रमाणित होगा जब वेद का प्रतिपाद विषय है उसको स्वीकार करो, और वेद का जो प्रतिपाद जो भगवान है श्याम सुंदर कृष्ण एवं परम देवम तम ध्याय तम जजे तम रसे राधिका माधवो देवे माधवे नैव राधिका अभिभ्राजन्ते जनेश्वर, इस सिद्धांत को इन पांचों दर्शनकारों ने नहीं माना। भगवान के जो सौंदर्य माधुर्य से परिपूर्ण विग्रह विग्रह को स्वीकार नहीं करते, पूर्ण रूप से भगवान को स्वीकार न करने के कारण जबकि आस्तिक है लेकिन फिर भी इनके विचारों को हमारे गर्भ योग्य नहीं कहा गया। महापुरुष जी बोले क्योंकि जिनके इतने सुंदर अंग प्रत्यंग है माधुर्य है उससे लोग वंचित हैं। तय दर्शनीय भागवत सिद्धांत महापुरुष जी की, आप लोग कैसे भगवान को विग्रह को नहीं माना, पूरे शास्त्र पूरे उपनिषद जम ब्रह्म वेदांत विदो बदंती परे प्रधानम पुरुषम तथा उस भगवान को सभी शास्त्रों ने विशेष करके भागवत जी ने परम ब्रह्म का स्थापित किया और उनके अंग से प्रत्यंग रूप सौंदर्यों का वर्णन किया। तय दर्शनीय अवय उदारे विलास हासे इच्छित वाम सुक्त हृतात् मनोहृत प्राणम च भक्ति अनिच्छतो गति अनिमि प्रजा, चरणों से लेकर शिखा तक भगवान का जो सौंदर्य है कहां पर अब खोएंगे, सबसे पहले तो चरणों में ही इतना माधुर्य है कि श्रीमती राधिका जी के चरणों को अगर दृष्टि करते तो दृष्टि ऊपर उठती ही नहीं, उसी में ही डूब जाती। विव मंगल पाद जी बोले चिंतामणि गयति सोमग्री गुरूर में शिखा गुरु जब भगवान शिखिपिच्छ मौलि जद पाद पल्लव कल्प तरु से खरे सुलीला स्वयं रसम लभते जसस। और उसके बाद उनका दर्शन है जो मुखारविंद का, उस मुखारविंद की हंसी इच्छित बाम सुक्ते तिरछी चितवन लजीले सक चीले सरसीले सुर बीले से कटीले और कुटीले चटकीले मटकीले हैं, ब्रज के कवियों ने तो कलम तोड़ तोड़ करके भगवान के माधुर्य को बोला। हासम हरे अवनता अखिल लोक कतिव्र शोकासु विशोषणम अत्य उदारम सम्मोहनाय रचितम निज मायस्य भ्रूमंडलम मुनुकृते मकर ध्वजस्य। भगवान के सौंदर्य जैसे कि जगत के जितनी विघ्न है एक काम क्रोध लोभ सब उनके हंसी में बह के पता नहीं कहाँ चले गए। तो महाप्रभु जी इन दर्शनकारों को अलग कर दिए, उनमें जो व्यास देती हुए जो हमारे गुरु हैं हमारे विपन्न वर्गों के परम्परा अवस्थित है ब्रह्मा जी से जो आरंभ होता है श्री ब्रह्मात्म गौड़ीय संप्रदाय, और व्यास जी इस संप्रदाय के मूल स्तंभ है। इनका जो दर्शन शास्त्र जिसको बोलते हैं उत्तर मीमांसा वेदांत दर्शन,
इस वेदांत दर्शन के आधार पर ही श्रीमन रामानुजाचार्य श्री संप्रदाय श्री ब्रह्म रुद्र शंका वैष्णवाच की पावन नदी ये चारों आचार्यों ने इसी के आधार पर अपने अपने मतों का स्थापित किया। तो सभी लोग कई दिनों से श्रवण करें, पूर्व में सुने विशिष्टाद्वैतवाद शुद्धाद्वैतवाद द्वैतवाद और स्वाभाविक भेदा भेदवाद जिसको द्वैतवाद। इन वादों में कुछ न कुछ सामंजस्य त्रुटियां हैं। अतः वो महाप्रभु जी श्रीमन जिन गोस्वाई पाद जी को अपने हृदय को भावों को दिए, महाप्रभु जी क्या बोलना चाहते, क्योंकि इन्होंने बातों को रखा लेकिन कहीं पर उन बातों को स्थापित करने में जो उन्होंने प्रमाण दिए वो प्रमाण सटीक नहीं हो पाए, यथार्थ नहीं हो पाए। जीव गोस्वाई पाद जी तत्व संदर्भ में इन चारों आचार्यों की व्याख्या करके विशेष करके केवल अद्वैतवादी श्रीपाद शंकराचार्य जी उनको तो उन्होंने जड़ से ही उखाड़ दिया। उनका जो विवर्तवाद एक जीववाद प्रतिबिंबवाद इत्यादि जो वाद था उन सबको जीव गोस्वामी ने बड़े ही समय के अभाव से मैं यहाँ विवेचना नहीं कर पाऊंगा उखाड़ के रख, क्योंकि श्रीपाद शंकराचार्य जी जगत को मिथ्या बोले। विवर्त है रज्जु में सर्प की तरह भ्रम है, जगत का अस्तित्व है ही नहीं। किंतु व्यास जी का जो सिद्धांत है दंगे के चोट पर बोले कि जगत भगवान की शक्ति की परिणति है। सदिदमुत्थितम सदिति चेतनं तर्कहतम व्यवचरति क्वचा क्वचा मृषाना तथैव वै व्यवहृतये विकल्प द्वंद परंपराया भ्रमयति भादति तव वृत्ति विरुक्त जन। ये जगत सत्य उत्पन्न हुआ इसलिए सत्य है, हाँ इसकी सत्ता नित्य नहीं है, विनाशशील है, ये परिवर्तन हो जाता है, लेकिन परिवर्तन होने के बाद भी कहीं न कहीं जगत की सत्ता सूक्ष्म रूप में अवस्थित है और सृष्टि का आरंभ में पुनः प्रकट हो जाता है। ब्रह्म जिसको स्थापित कर जिस ब्रह्म को शंकराचार्य पाद जी कहते हैं वो ब्रह्म भी श्रुति वेदांत भागवत प्रतिपाद ब्रह्म नहीं है। भागवत में जिस ब्रह्म की व्याख्या की गई उसमें तो बोले गुड़न परन ब्रह्म व मनुष्य नहीं है, भगवान का विग्रह है। बारहा पीड़ा भी रामम मृगमद तिलकम कुंडला क्रांत गंडम गंजांचम कंबु कंठम स्मित सुभग मुखम स्वाधे नस्त वेनुम श्यामम शांतम त्रिभंगम रविकर वसनम भूषितम च वैजंत्या वंदे वृंदावनस्थम जुगति सद्वृतम ब्रह्म गोपाल वेशम। शंकराचार्य जी वृंदावन के निकुंज में जो विराज रहे उस ब्रह्म को उन्होंने अनुभव नहीं किया, उसका व्याख्या उन्होंने नहीं किया, क्योंकि ये भी प्रभु का ही आदेश था। जबकि वो साक्षात शिव है, शंकर साक्षात शंकर, किंतु भगवान का आदेश था कि स्वागमे कल्पित पंच जनान मत विमुखानि पांच गोपया जैन सृष्टि आदेशो रुद्र उत्तर। जो भी अलग प्रसंग है तो शंकराचार्य इस ब्रह्म को जिस वस्तु का स्थापना किए उसमें एक विशेषता रही कि उन्होंने बौद्धों के चंगुल से शून्यवाद से छुड़ा करके ब्रह्म का एक अस्तित्व को स्वीकार जगत के सामने करवाया, क्योंकि जो कुछ नहीं था उसमें कुछ उन्होंने जोड़ा। उनका सिद्धांत है किंचित अस्ति किंचित नास्ति, कुछ है और कुछ नहीं। बौद्धवादी बड़े कट्टर थे, उन शून्यवादियों कट्टरता से ब्रह्म का अस्तित्व को उन्होंने स्थापित किया और उस अस्तित्व के भीति पर हमारे वैष्णवाचार्यों ने सभी आचार्यों ने चाहे वो श्री संप्रदाय के हुए चाहे मध्वाचार्य हुए चाहे विष्णु स्वामी हुए चाहे निम्बादित सभी ने भगवान के विग्रह को स्वीकार किया। जो भगवान निर्विशेष निर्गुण निराकार ब्रह्म नहीं बल्कि सभी सगुण सर्वगुण परिपूर्ण दया आदि गुणों से वात्सल्य आदि गुणों से निष्णात है, अन्यथा भगवान को कौन पूछे। यदि कृपा की होती न आदत तुम्हारी तो सुनी ही गलती अगर भगवान कृपा नहीं करते भक्त बत्सल नहीं होते इतना भीड़ नहीं उनके चरणों में था। इसलिए बड़े दयालु दीन बनते भागवत में आया अहो बगीजम कम वाद आया तुम सन्नम ब्रजेमा केवल सूत्र रूप में समझते। तो शंकराचार्य पाद जी जिस ब्रह्म की स्थापना की उसके ऊपर हमारे वैष्णवों ने भगवान के सौंदर्य माधुर्य तो वर्णन तो किया लेकिन वो भी वर्णन कहीं न कहीं ऐश्वर्य के द्वारा कहीं न कहीं गौरव के द्वारा आच्छादित रहा।
श्रीमन महाप्रभु जी ने अचिन भेदाभेद सिद्धांत के द्वारा श्री जी को सही पाद उनके मनोभावों को अपने तत्व संदर्भ में उल्लिखित निर्दिष्ट किया। अस्मत मते अचिंत शक्ति महत्व, क्योंकि प्रश्न उठा कि आपने तो सभी आचार्यों की विवेचना की, लेकिन आप क्या कहना चाहते हैं? तो जी को साई बोले, मेरा जो है मेरा मत नहीं, वस्तु वस्तु का स्वभाव ही ऐसा है, इसलिए मैं तो इसको अचिंत शक्ति अचिंत भेदाभेद ही समझता। इसके लिए उन्होंने प्रमाण दिए, कई उसकी पुराण आदि का प्रमाण दिए, अचिंतया खलु जे भावा। अब बोले सत्यया सर्व भावानां अचिंतया ज्ञान गोचरा, मणि मंत्र औषध लब। जितनी भी वस्तु हैं, ऐसे तो वास्तव वस्तु तो भगवान है और उनकी शक्ति का चिंत है, लेकिन भगवान से अतिरिक्त जो वस्तु जो है, अतिरिक्त भी कुछ नहीं लेकिन फिर भी लीला के जो प्रकाशित है जगत, उनसे अभिन्न भी और भिन्न भी है, उस माया जगत की जो कोई वस्तु है उसका भी जो स्वभाव है अचिंत है। प्रत्येक वस्तु का जो भाव है और स्वभाव अचिंत है, अचिंत शक्ति में, क्योंकि मणि उसमें क्या ऐसा स्वभाव है कि लोहे को छूने के बाद सोना बना देता है, आज तक कोई बता नहीं पाया। मंत्र, किसी को सर्प काट ले और मंत्र का पाठ करो विष उतर जाता है। औषधि, बहुत से औषधियां ऐसी है कि एक डोज लो, एक गोली होम्योपैथी खाओ, एक बस तुरंत शरीर का जो अगर सही से उसका रोग के साथ औषधि का मिलन हो तो तुरंत वो असर कर जाता है। इसमें क्या शक्ति है, कैसे करता है, अचिंत्य शेष में निर्णय लेते लेते शेष में एक अचिंत वस्तु आगे स्थिर हो जाता है। जैसे श्याम सुंदर को देखिए, कितने परम प्रकाष्ठा भगवत्ता के सार है, उनके कोई तुलना नहीं, जिनके समान कोई अधिक नहीं, स्वराज लक्ष्मी सब कुछ है, लेकिन वे भी जब राधिका जी के सामने खड़े होते हैं या कभी उनको कहीं से दृष्टि भी उनके ऊपर पड़ जाए तो बंसी करान निपतितम स्खलतम त्रिखंडम भ्रष्टम चित्त वस्त्रम ब्रज राज, कृष्ण जी नहीं सोच पाते क्यों हो रहा, राधिका जी वो मार्ग तो जा रहे हैं और कहीं पर कृष्ण के मोर मुकुट का एक पंख जो उनके मस्तक से मुकुट से निकल के मार्ग में गिर पड़ा और उस मार्ग से राधिका जी जा रहे हैं और उस मोर पंख को देख के आगरे पीछे शिखंड खंडम उत्कम आलम्बत, उस मोर पंख को देख कर उनको कंप हो गया, आगे बढ़े तो कोई गुंजा की माला से कुछ दाने टूट के गिर गए कृष्ण के, उनको देख करके गुंजा नाम जब लोग कनान मोर जो शास्त्र पर क्रोशित आंखों से गंगा जमुना की धारा निकलने लगी। श्री रूप से बात करते नो जाने जनयन नटन पीड़ा बालायती के भूमि थी कोई आगे नवीन गढ़ा, कृष्ण राजा के हृदय में कौन सा भाव प्रविष्ट हो गया जो इनको ऐसे ऐसे भावों की उत्पत्ति हो रही, कृष्ण का दर्शन नहीं उनके संबंधी वस्तु को देख करके भी ऐसे हो रहे, क्यों हो रहे हैं राधिका जी बता नहीं सकते, उनके नाम जप करके मेरे हजारों जीवन क्यों इच्छा होती है, वो बोलती है ना मुझे पता नहीं, लेकिन टुंडे कान विनिंग रतिंग विद्युनते टुंडा वलि लब्ध है कर्ण करोड़ कलंबलि घटयते करना गुरुदेव हस्तराम चेत प्रांगण संगरि जयते सर्व इंद्रियाणाम कृति नो जाने जनता क्य भी मिलते कृष्ण इति भागवत गई। इसलिए श्रीमद महाप्रभु जी बोले अचिंत भेदाभेद सिद्धांत, भगवान जो शक्ति है उनके साथ जो संबंध है भेद भी है अभेद भी है, लेकिन वो भेद अभेद अचिंत है, केवल गुरु वैष्णव की कृपा से कुछ समझ में आता है, ईश्वर संवेद है अनुभव किया जा सकता है लेकिन व्यक्त नहीं किया जा सकता, अचिंत का तात्पर्य है बहुत ही मुश्किल है लेकिन गुरु वैष्णव की कृपा से कुछ समझ में आता है। ऐसे करके अपने वचनों के लिए विराम देता हूँ, वंशा कल्पतरु भस्य कृपा सिंधु Now, Padmanabha Maharaj will speak about Srimad Mahaprabhu Tattva, his life and teach about it.
Without the